तो हम लोग आए हुए हैं आज प्रयाग जंक्शन में, जिसका हम लोग व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाने वाले हैं कैसा है हमारा प्रयागराज का प्रयाग जंक्शन स्टेशन। तो मेन एंट्री हमारी यहाँ से होती है, बाकी इधर लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है टिकट काउंटर, जहाँ पे आप जा करके अपना टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ट्रेनों के टिकट यहाँ पे मिलते हैं, जैसे इंटरसिटी हो गई और कुछ एक दो और ट्रेन हो गई, उनका ही टिकट आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको रिजर्व करके ही जाना पड़ेगा। तो हमें इंटरसिटी से जाना है, तो हम अपना टिकट यहीं से कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मशीन लगी हुई होती है रेड और वाइट कलर की, जिसमें ये जो हमारा जो काउंटर पे आदमी खड़ा होता है वो हमारा टिकट बनाता है, यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट करता है मेन्यू पे सब कुछ और फिर आपको टिकट देता है। तो मुझे इंटरसिटी जाना है, तो मैं अपना टिकट लेता हूँ, फिर आगे अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेन के ऐप में पहले से ही चेक करके आएँ टाइमिंग और क्या प्राइस है टिकट का, जो कि आप यहाँ काउंटर पर आकर ले सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारा फ्रंट का एरिया, तो उधर आपको पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है, और उधर हमारा लेफ्ट साइड में एक एंट्री है और एक एंट्री हमारी राइट साइड में। राइट साइड में आपको दो तरफ से एंट्री मिलती है, यानी कि आप एक ऊपर अगर आप स्टेयर से जाएंगे तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे या 3 पे उतरेंगे, इधर भी आपको जाना हो। अगर मेन एंट्री आप जाएंगे, यहाँ पे मेन जो हमारा एंट्री है प्रयाग जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंट्री मिलती है, जहाँ पे भी आपको सारे स्टॉल वगैरह और बाकी सब अपना खाने पीने का रिफ्रेशमेंट आइटम सारी सब कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो चलिए यहाँ से हम एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हमको मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रूट्स के स्टॉल और बाकी सारे स्टॉल, यानी कि रिफ्रेशमेंट आइटम सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में एक शॉप है, जहाँ पे आप अपना बेकरी प्रोडक्ट्स और बाकी पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2, और इधर हमारे लेफ्ट साइड में आपको ड्रिंकेबल वाटर मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं व्हेन यू हैव योर नीड। तो यहाँ सामने स्टेयर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ से हमको जाना है, हमको सेकेंड प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि हमारी ट्रेन जो इंटरसिटी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। आपको अगर डायरेक्ट एंट्री लेनी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो आप बाहर से ही जा सकते हैं, जो स्टेयर्स बनी हुई थी राइट साइड में प्लेटफॉर्म के एंट्री में, तो आप वहाँ से आएंगे तो डायरेक्ट आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे उतार देगा। वो जो स्टेयर्स बाहर से हैं वो यहाँ पे आके वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और 3 पे आप वहाँ से उतर सकते हैं डायरेक्ट, और आपको मेन एंट्री नहीं करनी है वहाँ से, आपको मेन से आना है, मतलब किसी सामान वगैरह लेना है या फिर कुछ भी आपको, तो आप यहाँ से एंटर लेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा ब्रिज स्टेयर्स वाला, जहाँ से आप जा ऊपर जा कर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे जा सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, क्या क्या वहाँ पे हमको स्टॉल वगैरह क्या क्या मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, सारा आपको डिटेल देते हैं। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग पूरा अपने प्रयाग जंक्शन स्टेशन का पूरा व्यू ले सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ की ट्रेन किधर से आ रही है जा रही है, ये प्लेटफॉर्म कहाँ से कहाँ तक कितना लंबा है, वहाँ से स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नीचे, फिर वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज दिखाते हैं क्या क्या है। तो अभी विंटर का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ फ्रीजर लगा हुआ था ठंडे पानी के लिए, तो ये फ्रीजर तो अभी वर्क करेगा नहीं, क्योंकि बंद कर दिया था ठंडी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग आए थे, तो ये उधर आपको बैठने के लिए शेड मिल जाएगा, शेड इधर मिल जाता है, और आगे यहाँ पे एक आपको उधर डस्टबिन मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको एक स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ से अपना रिफ्रेशमेंट का सारा ही आइटम ले सकते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप नहीं गए हैं डायरेक्ट 2 पे एंट्री ली है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको दोबारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। तो इधर भी आपको यहाँ पे पानी का पूरी सुविधा मिल जाती है, जिसको आप
पी सकते हैं क्योंकि एकदम शुद्ध पानी मिलता है, रेलवे का प्यूरिफाइड पानी होता है। ये हमारी डस्टबिन है, ये रहा हमारा स्टॉल जहाँ से आप अपना सामान ले सकते हैं। वो सामने वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और बाकी तो डिटेल सब कुछ बची नहीं है, सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। ये हमारा पानी का सिस्टम है, यहाँ से आप ले सकते हैं ड्रिंकेबल वाटर पूरा। तो हमारी ट्रेन भी आने का समय हो चुका है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप सपोर्टिंग।